कोकुलदान सोसाइटी, देखो सामने लिख रहा कोकुलदान सोसाइटी है भाई वो, और सामने फाइनली हम पूछ गए हैं जेठालाल जी के घर पे, ये सामने जेठालाल जी का घर है। हाँ जी, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत आप लोगों का हमारे न्यू व्लॉग में। तो भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब लोगों ने देखा होगा, देखिए यार मेरा तो फेवरेट है। अगर आप लोगों का फेवरेट है ना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। एंड यार देखो, मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा जहाँ पर शूट होता है फिल्म सिटी में गोकुलधाम सोसाइटी में, वो सोसाइटी मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। और मैंने ये भी दिखाया था वहाँ पर जितने भी घर बने हैं ना वो रियल नहीं है। तो आप लोग सोचेंगे भाई वो घर रियल नहीं है तो कहाँ रहते हैं वो लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जहाँ पर जेठालाल जी रहते हैं ना वहाँ पर मैं आज जा रहा हूँ, जेठालाल जी के घर पर जा रहा हूँ। और चंपक लाल जी जहाँ पर रहते हैं ना उनके फादर, तो उनके घर पर जा रहा हूँ। देखो यार एक फैक्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को, जेठालाल जी है ना और उनके फादर है चंपक लाल जी, वो जेठालाल जी से 4 साल छोटे हैं, एज में 4 साल छोटे हैं बट रोल में उससे बड़े हैं। तो यार उनके घर पे जा रहे हैं और मैं आज उनका घर दिखाने वाला हूँ कि रियल में वो कौन सी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। वैसे गोकुलधाम सोसाइटी फिल्म सिटी में भी है और फिल्म सिटी के बाहर भी है, तो जो बाहर है ना वो भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। एंड यार आज वाले व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। गाइस आप लोगों से ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है आज, आप लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो व्लॉग यार। देखो आप लोगों का 1 मिनट का भी टाइम नहीं जाता, 1 सेकंड का टाइम नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, और आपके भाई को ना इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम है ना इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ दिखाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। क्योंकि यार इतना ज़्यादा घूमना, बहुत सारा मतलब टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों का कुछ भी 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है, सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ गोरेगांव, जहाँ पर फिल्म सिटी भी है और उनका घर भी उधर ही है, तो मैं वहाँ पर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो। एंड यार घर से बाहर आते ही मेरे को मिल गया ऑटो, एंड ऑटो से मेरे को जाना था रेलवे स्टेशन। तो भाई ऑटो से मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया, एंड वहाँ पर पूछते ही मेरे को आ गई मेरी ट्रेन, जो कि लोकल ट्रेन मेरे को गोरेगांव छोड़ने वाली थी। एंड इसमें बैठ गया, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धीरे धीरे सारी भीड़ ख़त्म होती चली गई एंड पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। आप लोग देख सकते हो पूरी ट्रेन खाली है, एंड उसके बाद मैं पहुँच गया गोरेगांव। यार देखो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ गोरेगांव स्टेशन, यहाँ से मेरे को चैन करके जाना पड़ेगा ओबोए से आगे और फिल्म सिटी वाले रोड पे जाना पड़ेगा। एंड गाइस वहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँच गया सीधा बस स्टॉप, जो कि गोरेगांव का बस स्टॉप था। अब वहाँ पर मेरे को एक चैलेंज था कि मैं गोरेगांव फिल्म सिटी जाने के लिए कौन सी बस पकड़ूँ, तो वहाँ पर मैं जाके पूछने लग गया लोगों से, एंड फाइनली लोगों ने मेरे को बताया। फिलहाल मैं पूछ चुका हूँ गोरेगांव फिल्म सिटी का रोड है वहाँ पर पूछ चुका हूँ। एंड यार फिल्म सिटी के रोड पे लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद उनका मतलब ही घर आ जाता है। तो फिलहाल मेरे पीछे आप लोग रोड देख रहे होंगे, ये है फिल्म सिटी का रोड, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक वगैरह लगा है, बट मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से पैदल। और सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है भाई, उन्हीं बिल्डिंग में रहते हैं हमारे जेठालाल जी, तो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों का उनका घर, बिल्डिंग और फ्लैट है, चलो। एंड गाइज इतना चलने के बाद मैं काफ़ी दूर आ चुका था, लगभग 1 किलोमीटर मैंने कवर कर चुका था। एंड वहाँ पर आप लोगों के सामने बिल्डिंग दिख रही है, उन्हीं के पीछे जाने के बाद मेरे को जेठालाल जी का घर मिल जाएगा, बट उससे पहले मेरे को जाना है गोकुलधाम सोसाइटी। मैंने वादा किया था आप लोगों को पहले कि मैं भाई गोकुलधाम सोसाइटी में आप लोगों को दिखाऊंगा। यार आप लोगों को जो रोड दिख रहा है अभी, ये है फिल्म सिटी का रोड, एंड यहाँ से जितने भी एक्ट्रेस वगैरह हैं इसी रोड से यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं शूटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ही है फिल्म सिटी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ गोकुलधाम सोसाइटी। देखिए यार बेसिकली है ना मुंबई के अंदर गोकुलधाम सोसाइटी एक है जहाँ पर तारक मेहता शूट नहीं होता, उसी के नाम से तारक मेहता की गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मतलब पड़ा है या उसके नाम से रखा हुआ है। तो वो जो सोसाइटी है वो रियल में यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी है, वो है फिल्म सिटी के पास ही गोरेगांव में ही। तो फिलहाल उस सोसाइटी के अंदर चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो वाली सोसाइटी कैसे दिखती है, एंड उसके बाद चलेंगे हम लोग जेठालाल जी के घर पे, मतलब घर के पास जो भी है जो घर है ना उनका घर दिखाऊंगा उसके बाद में। तो फिलहाल चलता हूँ मैं गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। फाइनली हम लोग पहुँच गए गोकुलधाम सोसाइटी, आप लोगों के सामने वो सोसाइटी दिख रही है भाई, ये है गोकुलधाम सोसाइटी जो कि तारक मेहता के उल्टे चश्मे में आती है। बेसिकली क्या होता है, इसी कॉलोनी के मतलब इसी सोसाइटी के नाम पे गोकुलधाम सोसाइटी का नाम तारक मेहता में रखा हुआ है। एंड यार सामने आपको मंदिर दिख रहा हुआ, वहाँ पर लिखा भी हुआ है गोकुलधाम, तो भाई गोकुलधाम का ये मंदिर है एंड इसी के नाम से गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मतलब कि रखा हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी पे तारक मेहता में। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधा जेठालाल जी के घर पे।
एंड यार गाइस देखो मैं मेन रोड पे वापस आ चुका हूँ जहाँ से फिल्म सिटी का रास्ता जाता है। एंड यार आप लोगों को ये फोटो दिख रही है, ये है जेठालाल जी का रियल वाला घर, मेरे को अभी पता लगा है। एंड ये वाले बिल्डिंग मैं अब ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर आके, क्योंकि ये वाले बिल्डिंग इसी के आसपास है। देखो ये बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर, और यही बिल्डिंग में भी शायद सामने मेरे को मिल जाएगी। तो यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा, 3 से 4 किलोमीटर में आ चुका, और यहाँ से मेरे को 1 से 1.5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। ये वाली सोसाइटी है, ये ही जेठालाल जी के घर है। तो फिलहाल मेरे को सामने जाना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा। एंड यार मैं फाइनली अभी पूछ चुका हूँ, जो फिल्म सिटी का रोड है जहाँ से फिल्म सिटी स्टार्ट हो जाती है। एंड यार आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर दिख रही होगी यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये एक्चुअली है हमारे फिल्म सिटी में डायरेक्टर, कैमरामैन एंड एक्टर की, जो कि बहुत पहले बनाई हुई थी। एंड आप लोगों को दिख रहा होगा एक चेयर पे एक बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। एंड जो बीच में है वो होते हैं एक्टर, और जो पीछे है कैमरामैन है वो। तो इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि फिल्म सिटी को दर्शाता है एक तरीके से। एंड इसी के साइड से एक रास्ता जा रहा है, वहाँ पर जाते हैं, वो रास्ता जाता है सीधा फिल्म सिटी में। एंड वहाँ से मेरे को जाना है इधर जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पर जेठालाल जी रहते हैं। ये वाला रास्ता चला गया भाई फिल्म सिटी के अंदर, एंड मेरे को जाना है दूसरे वाले रास्ते पे। तो फिलहाल यहाँ से फिल्म सिटी में जाऊँगा कल, जो आप लोगों को कल वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को फिल्म सिटी दिखा दूँगा। तो फिलहाल मेरा जो फर्स्ट काम है वो है वहाँ पर जाना, जहाँ पर जेठालाल जी जाते हैं। तो चलते हैं, हम लोग पूछ चुके हैं जेठालाल जी की सोसाइटी के पास, जो आप लोगों को 3 बिल्डिंग दिख रही है, 3-4 बिल्डिंग, उसी की जो बीच वाली बिल्डिंग है उसके अंदर हमारे जेठालाल जी रहते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग अभी पूछ चुके हैं जेठालाल जी के घर के पास, एकदम बिल्डिंग के पास खड़े हैं। एंड ये सोसाइटी आप लोगों को दिख रही है पूरी सोसाइटी, इसी के अंदर हमारे जेठालाल जी रहते हैं। उनका रियल नाम है दिलीप जोशी। किस किस को उनका रियल नाम पता था, आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। एंड यार गाइस अब एक बात कर लेता हूँ आप लोगों से, दिलीप जोशी के साथ उनकी वाइफ रहती है यहाँ पर, उनका एक लड़का रहता है, और उनकी एक लड़की थी, उनकी शादी हो चुकी है, एंड वो भी शादी करके यहाँ से जाते हैं। तो पहले उनकी लड़की भी रहती थी यहाँ पर, एंड उनका लड़का रहता था, एंड जेठालाल जी एंड उनकी वाइफ रहती थी। एंड यार अब बात कर लेते हैं हम तारक मेहता उल्टा चश्मा के शो के बारे में। देखो यार तारक उल्टा चश्मा स्टार्ट हुआ था जुलाई 2008 में, एंड वो अभी तक चल रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जब दिलीप जोशी को उनका रोल दिया गया था, तब उनका रोल दिया गया था गाड़ा का, मतलब कि जो चंपकलाल गाड़ा है उनका रोल दिया गया था, जो कि उनके फादर है शो में। बट वो करने से उन्होंने मना कर दिया था, एंड उसके बाद उनको जेठालाल जी का रोल दिया गया था। उसी के बाद से वहाँ पर जेठालाल जी का रोल आज तक करते आ रहे हैं। एंड ये सोसाइटी आप लोगों को दिख रही है, इसी सोसाइटी के अंदर वो रहते हैं। एंड यहाँ पर 3-4-5 बिल्डिंग है, बट वो रहते हैं भाई इनके जो बीच वाले बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है, बीच वाले बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। एंड बीच वाले बिल्डिंग का बात करूँ तो यहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हो, एंड यहाँ पर 3 गेट लगे हुए हैं, जो कि आप लोग 3 गेट से जा सकते हो। एंड यार वो बीच वाले बिल्डिंग में रहते हैं 13वें फ्लोर पर रहते हैं। अब यहाँ के कुछ लोकल जो भी पर्सन हैं उनसे ये बात पूछते हैं। मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ पर दिलीप जोशी जी रहते हैं, जो अपने तारक मेहता के उल्टे चश्मे में आते हैं। हाँ, जेठालाल जी कौन से वाले में रहते हैं? इन्हीं बिल्डिंग में रहते हैं। एकदम रियल बता रहे ना? तो भाई ये भाई एकदम रियल बता रहे हैं हम लोगों को। तो आप लोगों को बिलीव हो गया होगा कि इसी बिल्डिंग में वो रहते हैं जेठालाल जी। तो फिलहाल भाई का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। क्या कर रहे हो आप इधर घूमने आए? इस बिल्डिंग का नाम क्या है, सोसाइटी का नाम क्या? अच्छा, तो भाई ये वाली बिल्डिंग है जो कि गोरेगांव फिल्म सिटी के पास है। फिल्म सिटी यहाँ से कितनी दूर पड़ेगी? मुश्किल 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर लगभग पड़ेगी। 1 किलो 2 किलोमीटर। कौन कौन रहता है? जेठालाल रहते हैं, जेठालाल के अलावा कोई और भी रहता है? चंपकलाल भी रहता है मे भी, शायद मैंने सुना था यहाँ पर। और जो हाँ बट एक बार मैं बताऊँगा कि मैं सब लोगों से मिला हूँ, दिलीप जोशी से मिला हूँ, और जितने भी एक्टर हैं ना सबसे मिला हूँ मैं। तारक मेहता वाले बहुत सही है, सब लोग शायद, बट 2-3 लोग इधर रहते हैं। और एक तो प्रॉफिट उनको ये होता है कि उनको यहाँ से फिल्म सिटी जाना पड़ता है, तो 1 किलोमीटर पड़ता है फिल्म सिटी। तो जेठालाल जी के पास तो ओडी है शायद, ओडी लेके चल जाते हैं। और जो नाम याद नहीं आ रहा उनका मेरे को, बहुत ज़्यादा ठीक है वो एक्टर। तो भाई थैंक यू, ठीक है चलते हैं। भाई फिलहाल है ना हमारे अभी नए सब्सक्राइबर बने भाई, भाई ने सब्सक्राइब कर लिया हमारा चैनल। अननोन पर्सन की तरह मिला है, बट यार इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा था।
तो आप लोग भी ना जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, भाई भी बोलो यार सब्सक्राइब कर ले लो, सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत अच्छे भाई। तो यार सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। फिलहाल देखो मेरे कुछ सब्सक्राइबर रेलवे स्टेशन पे गोरेगांव रेलवे स्टेशन में मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सुबह से कॉल कर रहे हैं, सचिन भाई हमको आपसे मिलना है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो आ चुके हैं गोरेगांव रेलवे स्टेशन, तो मेरे को जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो आप लोगों को मिलाता हूँ मैं वहाँ पर चल के। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से गोरेगांव। तो आप लोगों ने सोसाइटी देख ली होगी जेठालाल जी की, एंड यार इस वीडियो में मजा आए तो भाई लाइक जरूर कर देना। एंड स्ट्रगल मैंने बहुत ज़्यादा करना पड़ा है क्योंकि वहाँ से लेके यहाँ तक पैदल आना पड़ा है मेरे को। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंड चलते हैं सब्सक्राइबर से मिलने के लिए। गेट नंबर 1 जहाँ से आप लोग एंट्री यहाँ से भी कर सकते हो, और गेट नंबर 2 से भी, और गेट नंबर 3 से भी कर सकते हो। 3 गेट है यहाँ पर। तो ये है वाला है फर्स्ट वाला। फिलहाल मैं पूछ चुका हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया वीडियो में, भाई के पास पूछा हो तो भाई कैसा रहा? देखो वेट कराने के लिए सॉरी, क्योंकि गया था मैं व्लॉग शूट करने। आप लोग व्लॉग देख लेना ये वाला कि कहाँ पर गया था, मैं बताऊंगा नहीं, पहले बता दिया क्या? तो भाई के पास आ चुके हैं। फिलहाल तो गन्ने का जूस पीने आए हैं यहाँ पर। एंड यार गाइस सीरियसली बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सुबह निकला था एंड पैदल घूम रहा था यार इतनी ज़्यादा। अब जाऊँगा ना तो मेरे को ये सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेन में कैसे जाऊँगा, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है भाई ट्रेन में कि बैठने की जगह तो नहीं, खड़े होने की जगह नहीं होती है भाई ट्रेन में, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नाला से ऊपर जब ट्रेन जाती है ना उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उधर ऐसा ही होता है, पता नहीं कब चढ़ेगा उधर के। भाई फिलहाल गन्ने जूस पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई घर पे। एंड यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, मतलब बात बतानी है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट ही रहेगी तो मैं घर जाके बताता हूँ आप लोगों को। सो फाइनली गाइस मैं भी आ चुका हूँ अपने घर पे। और यार आज ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मेरे को बोरीवली से नाला से ऊपर आने में, क्योंकि यार इतना ज़्यादा रश था आज ट्रेन में, इतना ज़्यादा रश था कि ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं होती लोकल ट्रेन में। मुंबई वाले सब जानते होंगे कैसा हाल होता है यहाँ पर। एंड आज आप लोगों को मैंने फाइनली जेठालाल जी का घर भी दिखा दिया कि वो कौन सी फ्लोर पर रहते हैं। वो 13 पे रहते हैं, 13 फ्लोर पर रहते हैं, और जो बिल्डिंग है वो सेकंड वाली है, मतलब बीच वाली बिल्डिंग है। तो भाई ये भी लोग बनाने में सही होता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है। तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए आ जाए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, सही होता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में। और सपोर्ट करो ना तो और भी ज़्यादा मतलब दिल खुश होता है। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, एक भी पैसा खर्च नहीं होता, आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे ना तो कुछ भी खर्च नहीं होगा भाई, मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा बस। और कोई बंदा मेहनत कर रहा है ना तो उसको सपोर्ट भी करना जरूरी होता है, तो कर देना यार, मेरी ऑडियंस ऐसे ही कर देगी, ठीक है। तो भाई आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना था मेरे को, जो कि मैं बोल रहा था आप लोगों को, मैं आज संडे है तो आज मैं 7 बजे लाइव आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और पहली बार लाइव आऊँगा उस पर। एंड उस पर ना Q&A होगा एंड एक यूट्यूबर के साथ फ्रैंक कॉल भी होगी। तो आप लोग वो लाइव जरूर ज्वाइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आके जरूर ज्वाइन करना। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइव में मिलते हैं एंड वहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पूछना। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।